इसलिए मेरे भाई जरूर बैठ जाओ और इस हड़ताल में कूद जाइए। अगर आपके अंदर फिर भी द्वंद है तो हम दिन करके शब्दों में कहना चाहते हैं कि यह प्रदीप जो दिख रहा है, यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थक्कर क्यों बैठे हो भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। और नितेश जी आप बहुत आजकल सुप्रीम कोर्ट के प्रति आपका आस्था उड़ रहा है, आप उमर डुमर रहा है, न्यायालय के प्रति जो आपकी आस्था है देखकर हमें बड़ी आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि अगर इतना ही न्यायालय के प्रति आपका आस्था है तो हाई कोर्ट में ईपीएफ का केस हमारे संघ ने जीता है, क्यों नहीं आप उसे लागू कर दिए। राजकर्मी का केस हम जीत चुके हैं, क्यों नहीं आप उसे लागू कर दिए। ये सेवा शर्त बनाने का केस हम जीत चुके हैं, क्यों नहीं आप लागू कर दिए। फिरमन तिथि से ग्रेड पे सहित ढेरों सारा केस ने जीता है, आप उसे लागू क्यों नहीं कर देते हैं। आप लागू नहीं करते इसलिए कि आपको न हमसे मतलब समझते हैं और न न्यायालय से आपको मतलब रहता है। न्यायालय ने तो कुछ दिन पहले कह दिया, जब लालू राबड़ी की सरकार थी तो होता था कि जंगल राज है, न्यायालय ने कहा था आप ही बहुत घूम घूम कर आज तक उसी 15 साल का भय दिखा करके वोट मांगते हैं। तो नितेश जी 2 सप्ताह पहले हाई कोर्ट ने आपके बारे में भी कह दिया कि बिहार के अंदर कानून का राज नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो सबसे पहले गद्दी छोड़ दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए। लेकिन हम जानते हैं इतना आसानी से आप नहीं छोड़ने वाले हैं, तो हमने भी ठान लिया है हम शिक्षक है कान पकड़ के घींच करके हटाएंगे इस बार। हालांकि हमारे मित्र कहते हैं सोनी जी हम गुरु हैं, शिक्षक हैं, हम उस प्रजाति के लोग हैं, आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये बिहार का इतिहास है 15 साल से ज्यादा एग्रीमेंट किसी पार्टी का नहीं होता है सत्ता में आने का, 15 साल पूरा हो गया है। हम आपका एग्रीमेंट 5 साल और बढ़ा देंगे, लेकिन आप हमारी मांगों को पूरा करिए हम आशीर्वाद दे देंगे। अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करिएगा तो फिर आपको सत्ता से तो हटाएंगे ही, इतिहास के ऐसे पन्नों में फेंकेंगे जैसे आपने समान स्कूल प्रणाली आयोग की सिफारिशों को फेंक दिया है। नितेश जी और बिहार की जनता से भी हम कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई शिक्षकों की वेतन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ हमारे पेट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई असल में शिक्षा नीति की लड़ाई है। बिहार के अंदर में पूरे देश के अंदर में 2 तरह की शिक्षा नीति चल रही है, एक प्राइवेट स्कूल श्रृंखला चल रहा है तो दूसरा खिचड़ी विद्यालय श्रृंखला चल रहा है। एक डॉनबॉस्को और डीपीएस है, जो चले जाइए पटना के अंदर में आपके शहर में भी होगा उस तरह के विद्यालय जहां बच्चों का टिफिन चेक किया जाता है कि में गीला नाश्ता नहीं हो, नहीं तो बच्चों के सेहत पर बुरा असर पड़ जाएगा। तो दूसरे तरफ आपने गरीब के बच्चों को प्लेट पकड़ा दिया है। तो ये जो दूसरी तरह की शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति से अगर निजात पाना चाहते हैं तो शिक्षकों के आंदोलन के साथ आना पड़ेगा। नहीं तो यकीन मानिए जिस तरह के बीएसएनएल के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, आप दूर थे, बीएसएनएल बिक गया, रेलवे बिक रहा है, देश की नवरत्न कंपनियां बिक रही है, टाटा बिरला अंबानी किलोस्कर तिलोस्कर की गिद्ध दृष्टि हमारे पुरखों की बाप दादों की जमीन पर बने हुई स्कूल पर लगी हुई है। और यकीन मानिए कि अगर आप चुप रहे तो आपका विद्यालय भी बिकेगा, आपके विद्यालय की बारी है और तब आपके विद्यालय का नेम प्लेट बदलेगा और राजकृत हाई स्कूल का नाम बदलकर पेप्सी कोला उच्च विद्यालय हो जाएगा, कोको कोला प्लस टू विद्यालय हो जाएगा, थम्स अप मध्य विद्यालय हो जाएगा। तो इस विद्यालय को बचाना है, इस स्कूल को बचाना है, शिक्षा को बचाना है तो आपको शिक्षकों के आंदोलन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम आप बिहार के तमाम नागरिकों से, जहां जो प्रबुद्ध नागरिक आए, प्रोफेसर साहब आए, डॉक्टर साहब आए, वकील साहब आए, हर उन तमाम
बिहार के नागरिकों से हम अपील करेंगे कि आप हमारे आंदोलन के साथ आइए, नहीं तो फिर यह बिहार का एक एक विद्यालय बिकेगा जैसे देश के बहुतेरे हजारों हजार विद्यालय को पीपीपी मॉडल पर देश के कॉर्पोरेट घरानों को सौंप दिया गया है, हमारे विद्यालयों को भी सौंपा जाएगा और तब बिहार के गरीबों के बच्चों के पढ़ने के लिए बिहार के अंदर में एक भी स्कूल नहीं बचेगा और आपके बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए विद्यालय को बचाइए, शिक्षा को बचाइए, शिक्षा नीति को बनाइए और बिहार के अंदर संघर्षशील शिक्षकों के साथ खड़े होइए, कदम से कदम मिलाइए। मित्रों, नीतीश कुमार के सामने एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न होने वाला है। वो कहते हैं कि हम राजकर्मी नहीं हैं। राजकर्मी अगर हम नहीं हैं नीतीश जी, तो आप हमारे सरकार नहीं हैं। और हमारे जो सरकार हैं मुखिया जी, प्रमुख साहब, जिला परिषद के अध्यक्ष और मेयर साहब, उन लोगों ने अब प्रस्ताव पास करना शुरू कर दिया है अपने कैबिनेट से कि इन शिक्षकों को पूर्ण वेतन मान मिलना चाहिए। तो अब अगर ये प्रस्ताव हमारी सरकार पास करेगी नीतीश जी, तो आपके सामने बहुत बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा। इसलिए इस संकट से बचिए और सीधे सीधे हमारी मांग को मानते हुए सहायक शिक्षक और राजकर्मी का दर्जा के साथ नियमित शिक्षकों के भांति पूर्ण वेतन मान और सेवा शर्त दीजिए। और हम तो उसके पूर्ण हकदार हैं क्योंकि हम टीटी एसटी टीआरटी के सभी मापदंडों को पूरा करके बहाल हुए हैं। इसलिए आपकी कोई भी चालबाजी, कोई भी गुमराह करने की नीति हमारे ऊपर नहीं चलने वाली है। नीतीश जी के इस संबोधन के बाद कि हम ही दिए हैं, हम ही देंगे, सेवा सर चाइनीज वाला दे देंगे और थोड़ा सा जितना हमारे पास पैसा है उसी हिसाब से बढ़ा देंगे, वेतन वृद्धि कर देंगे। हमारे बीच में बहुतेरे साथी होंगे जिनको लगता होगा कि अब हड़ताल पर बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा बड़ा ख्वाब मत देखिए, सपना मत देखिए, सहायक शिक्षक राजकर्मी पूर्ण वेतनमान न मिलने वाला है। नीतीश जी बोल दिए और बोल दिए तो बोल दिए। तो उन मित्रों से हम कहना चाहते हैं कि नीतीश जी पहले बोलते नहीं थे, अब बोल रहे हैं और ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन और संगठित होकर संघर्ष में कूदे रहिए। वो एक एक मांग को पूरा भी करेंगे, क्योंकि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, न होना तरफ का, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, काम से लौट घर को आना, मुर्दा शांति सा छा जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। इसलिए मित्रों, अपने सपनों को नहीं मरने दें, अपने सपनों को जिंदा रखें। हम निश्चित अपने मंजिल को छुएंगे, अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। और ये जो 4 लाख शिक्षकों की चट्टानी एकता बनी है, इस एकता के बदौलत हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसलिए किसी भी तरह के इस आंदोलन के अंदर निगेटिव भावना उत्पन्न न होने दें और आप अपनी चट्टानी एकता को बनाए रखें। निश्चित तौर पर हम जीत हासिल करेंगे, अपनी मांग को पूरा करवाएंगे। सहायक शिक्षक राजकर्मी पूर्ण वेतनमान और सेवा सट के बाद ही हम हड़ताल से वापस आएंगे। इस आह्वान और इस अपील के साथ हम आपसे विदा लेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।